दोस्तों, इंसानों ने कुत्तों की नस्लों में समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव करके और उन्हें कुछ ट्रेनिंग देकर अपने घरों में पालने के लिए कम हिंसक बना लिया है। घर में पलने वाले कुत्ते खाने के लिए पूरी तरह से अपने मालिक पर ही डिपेंडेंट रहते हैं और इसी वजह से इन पालतू कुत्तों को खाने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो कुत्ते जंगल में रहते हैं उन्हें खाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है और अगर शिकार ना मिले तो फिर इन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही इन्हें शिकार मिलता है ये तुरंत ही उसके ऊपर टूट पड़ती हैं और उसके बाद भूख से बिलबिलाते हुए ये जंगली कुत्ते किस तरह से अपने शिकार को बहुत ही बुरी तरह से नोच और चीर फाड़ के खा जाते हैं, उसी कैद पल को हम आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। वाइल्ड डॉग वर्सेस इंपाला। जिन जंगली कुत्तों की आज हम बात करने वाले हैं वो अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं। ये ज्यादातर अपने साइज के ही जानवरों को शिकार करते हैं और देखा जाए तो इनके साइज का जानवर है इंपाला। इंपाला भी अफ्रीका में पाए जाने वाला एक मीडियम साइज का हिरन होता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि दो वाइल्ड लोग अचानक से ही झाड़ियों में से निकल के आते हैं और एक इंपाला के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब जैसे ही इंपाला जमीन के ऊपर गिर जाता है तब तीसरा कुत्ता भी वहाँ पे पहुँच जाता है और ये सभी मिलके उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। अब इस क्लिप में देखिए, इस क्लिप में तो पानी के अंदर भी इंपाला इन वाइल्ड डॉग से बच नहीं पाता और ये कुत्ते जिंदा ही नोच कर इसे खाने लगते हैं। इस क्लिप में भी ये इंपाला वाइल्ड डॉग से बचने के लिए पानी के बीचों बीच खड़ा रहता है और तभी अचानक से ये कुत्ते इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और इसे अपने जबड़ों से पकड़कर पानी से खींचकर बाहर निकाल देते हैं और जमीन पर ले जाकर इसे बहुत ही बुरी तरह से काटने लगते हैं। और इसके बाद होना क्या था, सभी कुत्ते मिलकर इसे जिंदा ही चबा के खा जाते हैं। बफेलो। यहाँ पर 5 मिनट के कम समय में इन जंगली कुत्तों ने करीबन 3 बफेलो को अपना शिकार बना लिया और इसके साथ ही बाकी बफेलो उसको भागने के लिए मजबूर कर दिया। अगर ये बफेलो चाहे तो ये शेर का भी सामना कर सकती है, लेकिन बात जब किसी झुंड से निपटने की आती है तो अच्छे अच्छों की ताकत धरी रह जाती है। और देखते ही देखते यहाँ पर ये सभी वाइल्ड डॉग्स उसके बछड़े को झुंड बना के खा जाते हैं और ये माँ कुछ भी नहीं कर पाती। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट बफेलो पर ये जंगली कुत्ते बहुत ही बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और उसे जिंदा ही नोचने लगते हैं। पुकूज। पुकूज एक तरह के मीडियम साइज के हिरन होते हैं जो कि कोंगो, नेम्बिया और तंजानिया में पाए जाते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि इन वाइल्ड डॉग्स ने कुछ समय पहले ही एक पुकूज को मार डाला है। अब इस क्लिप में देखिए, जिसमें कि पानी के बीचों बीच में इन सभी कुत्तों का झुंड एक पुकूज को खा रहे होते हैं। भले ही पुकू अपनी जान को बचाने के लिए पानी में जा चुका था, लेकिन ये कुत्ते तभी भी नहीं मानते और पानी के अंदर भी उसे नोच डालते हैं। वाइल्ड डॉग चेजिंग हिप्पो। इस क्लिप में ये सभी वाइल्ड डॉग्स एक हिप्पो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जिसके बाद ये हिप्पो पानी के अंदर घुस जाता है और अपने डंग को यानी कि अपने गोबर को अपने पूंछ से वाइल्ड डॉग्स के ऊपर फेंकने लगता है और जिसके बाद कुत्ते समझ जाते हैं कि उनके लिए इतने बड़े हिप्पो को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और जिस वजह से समझदारी दिखाते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं। वाइल्ड डॉग वर्सेस वार्थॉग। ये वार्थॉग अफ्रीकी जंगली पिग होते हैं यानी कि अफ्रीकन सुअर। यहाँ पर इन पिग्स के पूरे बिल को ही ये जंगली कुत्ते घेर लेते हैं और इसके बाद ये सभी वाइल्ड डॉग इनके बिल से एक पिग को खींचकर बाहर ले आते हैं और उसे अपने जबड़ों से बहुत ही बुरी तरह से पकड़कर नोच कर जिंदा ही खाने लगते हैं। इस क्लिप में ये वाइल्ड डॉग एक यंग पिग को उसके बिल से निकालने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन निकाल नहीं पाते। अब यहाँ पर पिग डर जाता है और वो खुद ही अपने बिल से निकलकर वहाँ से भागने की गलती कर देता है, लेकिन तुरंत ही ये वाइल्ड डॉग उसे पकड़ लेते हैं और फिर क्या था, वाइल्ड डॉग का खाना बन जाता है। रैबिट्स। साइज में काफी छोटा होने की वजह से ये खरगोश वाइल्ड डॉग के भोजन के लिए ये बिल्कुल भी काफी नहीं होते। ऐसे में जब कोई वाइल्ड डॉग खरगोश का शिकार करता है तो बदले में दूसरा वाइल्ड डॉग खरगोश के कुछ टुकड़े को छीनने के लिए अपने साथी पर ही अटैक कर देता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों वाइल्ड डॉग एक छोटे से खरगोश के लिए आपस में लड़ रहे हैं और बाद में तो तीसरा भी पहुंच जाता है और इस अगली क्लिप में भी वही होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही अगली वीडियो में। ओके, बाय।